सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर संजय गुरमीत ब्लॉग। सो गाइज, आज आप सभी को पता है आज है 25th और आज है हमारी दिल्ली में वोट, है ना। तो आप लोगों को सबको वोट्स डालने, साफ करके लाओ चश्मा, ये वाला पहनू जो चाहे साफ करो, पहले से क्लीन करो, ठीक है। सो गाइज, अभी हम लोग निकलने वाले हैं, लेकिन उससे पहले कर लेते हैं पेट पूजा। और मैंने तो ऐसी नॉर्मली टी शर्ट डाल ली है, और गर्मी इतनी है तो जूड़ा बना लिया। दर्श दक्ष तो जा नहीं रहे, ये यहीं पे रहेंगे, मैम आने वाली है इनकी। और दूसरी चीज गाइज की ना, पता नहीं क्या हो गया ये, एक मिनट गाइस, एक मिनट, अब ठीक है, अभी भी हो रहा है। सो गाइस, अभी हम लोग निकलने वाले हैं। जान एक बार देखना ये क्या हो रहा है, तुम्हारा फोन 10 बार गिरता है, ये टूट तो नहीं गया? अरे हाँ, ये शैडो आ रही कहीं से कुछ, नहीं ये ट्रेड आ गई शायद, ये देखो, नहीं नहीं शैडो आ रहा है, नहीं अब यहाँ चलो शैडो ट्रेड से ही आ रहा है। सो गाइज, हम लोग चलो निकलते हैं, लेकिन उससे पहले कर लेते हैं पेट पूजा। और ना सुबह से, हाँ अच्छा, कैमरे के बीच में ऐसे। और पता है गाइस क्या हुआ है सुबह से, थैंक यू कैमरा नहीं गाइस, वो टूटा हुआ है, क्या कहते हैं, टेम्पर टूटा। सो गाइस, अब हम लोग निकलते हैं, और ना भूख लग रही है बहुत जोर से। सो आज पता है गाइस, मैंने इतनी टेस्टी आलू मटर की सब्जी बनाई है, इतनी टेस्टी, मैंने अभी चखी, बहुत टेस्टी लगी। और दीदी अभी रोटी बना रही है, तो हाँ, और अभी मुझे खीरे का रायता भी बनाना है। आजकल हम खीरे के रायते पे ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं, वैसे तो खीरा खाते ही नहीं है, तो मैंने कहा रायता ही खा लेते हैं। हाँ खाते हूँ, हम लोग नहीं खा पाते। सो गाइस, पहले खाना वाना खा लेते हैं, फिर निकलते हैं, बहुत जोरों से भूख लग रही है, क्योंकि आज मैंने ब्रेकफास्ट भी नहीं करा, 12-1 बजे तो गाइस आप लोग भी जितना घर से निकलो वोट डालने जाओ, वोट डाल के जरूर आओ, ठीक है, हम भी जा रहे हैं वोट डालने। पता है इन्होंने वोट डालने के चक्कर में आज हम कहीं घूमने जाने वाले थे, इन्होंने कैंसिल कर दिया प्रोग्राम की, नहीं वोट डालना बहुत जरूरी है, ये मतलब वोट को लेके ना बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, यही एक हमें, आई मीन आई प्राउड टू इंडियन है, यस ये फील होता है हम इंडियन हैं। तो गाइस बहुत ही मुश्किल से मैंने ये उतारा, और गुरमीत कोई ट्रिक कर रहे हैं, और मेरे हाथ का कड़ा है ये, और देखो मैंने उतारा है, देखो देखा देखो उतारा, बड़ी मुश्किल से उतारा, और ये गुरमीत ट्रिक अपना रही है, और ये सफ़ेद हो जाता है, अभी जा रहा हूँ दिखाता हूँ, सफ़ेद होता है, काला होता है, चलो। तो देखो गाइस, गुरमीत ने मसाला पाउडर बना रखा है, इसमें डाल रहा हूँ मैं, डालो, ओ भाई दर्ज दर्ज की चेन दिखाऊं, ये भी चमक गया, ये देखो, मतलब मेरे को नहीं पता था इंस्टाग्राम पे ट्रिक आ रही थी, वाकई में यार काम कर रही है, चमक गया, चाय पत्ती से चाय बन गया इसका, चाय पत्ती सर्फ और नींबू, हमें मेरे निकालो, हो गया क्या मेरा भी, एकदम से थोड़ी ना होगा, लेकिन देखो कलर आ रहा है, चलो गाइस बात दिखाता हूं, फिर चमक जाएगा तो दिखाऊंगा, ये देखो प्रॉपर कैसे चमक गई है चेन। ये इसका पेंडेंट है, और ये देखो दोनों की चेन कितनी चमक गई, प्योर चांदी थी तो ये तो साफ होनी थी, ये देखो गाइस, बच्चे भी हैरान हो रहे हैं, मम्मा कितनी शाइन कर रही है, मतलब सही है गाइस, ये ट्रिक काम आया। अगर आपको भी अपनी चांदी की चीज़ें ऐसे चमकानी है ना, आपको चाय पत्ती डालनी है, सर्फ डालना है और नींबू डालना है बस, और आपके सारी चांदी चमक जाएगी बिना पॉलिश कराए। गाइस हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं वोटिंग डालने के लिए, खाना वाना हो चुका है, और मेरी जान भी रेडी हो चुकी है, फिर जो इसमें पहन रहे, देखो गर्मी बहुत हो रही है यार, मैं सोच रही हूँ एसी के बिना कैसे रहूंगी, बहुत पसीना आ रहा है, एसी साथ में लेके चलता आपके लिए। गाइस हम लोग स्कूटी से निकल रहे हैं, इससे नहीं जा रहे हैं, नहीं नहीं गाड़ी से तो मैंने इनको मना कर दिया, गाड़ी गाइस स्कूटी की पता नहीं कहाँ गाड़ी खड़ी होगी, ये भी नहीं पता, और कितना लंबा पैदल चला ये भी नहीं पता, ठीक है, कहीं पे भी एडजस्ट हो जाएगी, तो हम लोग जा रहे हैं स्कूटी से, ठीक है चलो गाइस फिर मिलते हैं, सीधा देखते हैं कितनी भीड़ है क्या है, और हम लोग जा रहे हैं गाइस 3 बजे। हमने सोचा था कि हम लोग जाएंगे स्कूटी से, और ये देखो मेरी हालत गाइस, मैं नहीं निकलती बिल्कुल भी, बिना गाड़ी के नहीं निकल पाती बिल्कुल भी नहीं, और इतनी धूप में तो बिल्कुल गाड़ी भी, गाड़ी भी पकड़ा, ये देखो गाइस पसीना मुझे सिर्फ सीढ़ियों से उतरने में, नीचे उतरने में आ गया मुझे इतना पसीना, क्योंकि हमें हैबिट नहीं है बिल्कुल भी इतना, मतलब बिना एसी के रहने की, ये देखो गाइस मेरी आंख के अंदर भी पसीना जा रहा है, ओह माय गॉड जान। सो गाइस ये हालत हो जाती है मेरी, पसीना देखो गाइस कैसे आ रहा है, 24 घंटे हमारे घर का एसी ऐसे ही चलता रहता है, क्योंकि घर में भी गर्मी ही लगती है, कौन सा ठंड होती है, नीचे उतरने में जब जितने में ये स्कूटी निकालने लगे उतने में गाइस अब मेरा पसीना देखो, ओह माय गॉड ये हाल है मेरा, और दर्श दक्ष का भी ऐसे ही है, इनका थोड़ा कम आता है, लेकिन मेरा देखो जान मैं तो नहा चुकी हूँ, हाँ हाँ एसी चल गया अब तो।
सो गाइस हम लोग तो निकल चुके हैं, आप भी अपने घर से निकलो, जाके वोट डालो, वोट बहुत जरूरी है ना। अपने अपने पसंदीदार पसंद वाले जितने भी आपके कैंडिडेट है उनको जाके वोट दो आप, ठीक है। जो जिसको पसंद है अपना करो भाई, हम तो ये नहीं कह सकते उसको ही दो, जिसको जो पसंद है वो करो, लेकिन जाके करो जरूर, ठीक है। चलो हम लोग जैसे अब निकल चुके हैं पहुँचने वाले, पूरा रोड देखो गाइस खाली है और हमारी यहाँ नियर ही, तो चलो मिलते हैं फिर वहीं पे। इस गाड़ी हमारी सिर्फ यहीं तक जाएगी जो दिख रही है, लेकिन काफ़ी लोग पहले चली रहे ऐसी बात नहीं है, मैं भी गाड़ी यहीं लगा देते हैं, लेकिन लोगों को निकलना होगा बाहर तो मुश्किल होगा, ठीक है। अंदर पीछे वाली उधर से जा रही है, नहीं उधर उधर वाली वो बंद है, उधर वाली बंद है अभी तो। अरे उधर देखो ना सब पैदल पैदल जा रहे थे, वहाँ गैस वहाँ पैदल जा रहे, मेरी वाइफ को लग रहा है वहाँ पे, फिर भी घुमा गया टाइम खराब वाली गाड़ी दिख रही है ना। अरे वो अंदर ही है इसीलिए, देखो वहाँ तक गाड़ी अलाउ ही नहीं है, यहीं तक गेट बंद है ना इसका मतलब। आगे चलो आगे फिर भी चलते हैं, आपको रिटर्न मार के चलते हैं, ठीक है। हम लोग आ चुके हैं, काफ़ी सारे लोग आ चुके हैं, चल रही है। चलो इधर निकल इधर, चलो देखते गए सब जाके लेते हैं नंबर अपना, है ना। तो गए हमारा आई थिंक 19 है, और आपको कितना जाए इनको पता नहीं है, मुझे भी नहीं पता, दोनों का सेम ही होगा। अब जा रहे वहाँ जाना पड़ेगा, वहाँ देखो देखो ये वाला जो है वहाँ से। हाँ तो कैसे हैं भैया, मिल गए भैया, मिल गए। चलो भैया भी बैठे तो सही काम हो जाएगा हमारा जल्दी। पीछे खोल लो, खोल लो पीछे होगा, इसको खोलना पड़ेगा, इसको वोटर कार्ड खोल ना, ऐसा भी करके वोटर कार्ड खोल के दो। अरे नहीं ऐसे तो मैं यहाँ से नहीं खुलता, यहाँ से दोनों खुल गया, ठीक है। चलो तो ऐसे भी यहाँ नंबर पर्ची मिलेगी, फिर इसके बाद जाएंगे, और जितने भी भीड़ है काफ़ी लोग आ रहे हैं ऐसे भी, उधर भी देखो। चलो गाइस काम हमारा हो गया, बहुत जल्दी फटाफट हो गया, हम लोग ऐसे निकल रहे हैं वो डालने के लिए ना। चलो ना, काफ़ी लोग हैं, काफ़ी भीड़ है देखो। अब गुरमीत यहाँ से अलग अलग हो जाएंगे, क्योंकि हमें फ़ोन जमा करना पड़ेगा ना। और क्या इस बार हमने ना वोटर आई कार्ड चेंज करवा लिया, दिखाता हूँ, हमने इस तरह का बनवा लिया था वोटर आई कार्ड देखो, क्योंकि नया वोटर कार्ड चल रहा है ना आजकल। डिटेल नहीं हमारा ही सिर्फ पापा का नाम हमारा नाम, बस हम दोनों का ना, वैसे ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है ना। चले पसीना देखो चलते हैं। हमने ये डिसाइड किया कि फोन गाड़ी में रख देते हैं और फिर चलते हैं ना वरना हमें वन बाय वन जाना पड़ेगा ना, वरना फोन मुझे पकड़ना पड़ेगा, इसलिए गाड़ी में रख कर आओ जल्दी। चलो चलो गाइस फिर गाड़ी में फिर आते। सो गाइस यहां पे हमें सब्सक्राइबर भी मिल गए हमारे, ये उनके हस्बैंड है, हाय करो भैया। फाइनली गाइस हमने वोट डाल दिया, ये देखो ये प्रूफ भी है वोट डालने का, इनका प्रूफ है तो मेरा ही होगा, लेकिन देखो ऐसे दिखाता हूं, बैक कैमरा दिखा देता हूं, ये देखो हमने डाल दिया, हम सबको डाल दिया, और आप भी जाओ डाल गया हूँ, अभी टाइम है, क्योंकि हमारे करोलॉग में 1400 मतलब काफ़ी सारे हैं, लेकिन एक में 1400 एक में 1400 मतलब हमारे 1400 वाला, लेकिन अच्छा लगता है, मज़ा आता है यार, बहुत लोग स्किप कर चुके हैं मतलब 100% में 60% वोटिंग होती है, कोशिश करो 80% हो जाए, है ना, लेकिन वोट डालो बहुत अच्छा लगेगा, सबको अच्छा लगता है, वोट डाला करो यार, वोट डालना बहुत जरूरी है, अधिकार हम लोगों का, ठीक है। चलो गाइस फिर हम लोग यहाँ निकलते हैं, और एक चीज़ और नई चीज़ बताऊंगा जो अंदर बहुत मज़ा आया बात करने में, वो भी थोड़ी देर में बताता हूँ आपको। क्या लो फोटो। तो गाइस फाइनली वोट तो दे चुके हैं हम, अब हम लोग जा रहे हैं, गर्मी बहुत हो रही है गाइस, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, एसी चलाया इनकी भी मेरी तरह बिल्कुल हालत खत्म। सो गाइस वाओ अब ठंडा लग रहा है, बाहर का वेदर बहुत ज्यादा हॉट है, बहुत ज्यादा हॉट, लेकिन जाओ फिर भी वोट डाल के आओ, जैसे हम गए कई लोग छोड़ रहे हैं, प्लीज यार मत छोड़ो यार, मत छोड़ो प्लीज, जल्दी 7 बजे तक का है, 7 बजे तक आप जाके डालो जरूर, टाइम बढ़ा दिया है, पहले 5 बजे दुआ करते हैं, फिर 6 बजे आप 7 बजे तक कर दिया गर्मी की वजह से, जाओ वोट डाल के आओ गाइस। आज पता है क्या हुआ है गाइस, आज मेरे बच्चों की छुट्टी भी है, छुट्टी इन द सेंस मैम का मैसेज आया तो देखा टुडे क्लास इज कैंसिल, और भाई हमने बताया नहीं बच्चों को कि आज क्लास नहीं है, हम उन्हें बोलकर आए पढ़ते रहो आज क्लास है। सो गाइस वेदर इज टू हॉट, एक चीज मैं वहां देखने को मिला, एंड मी आल्सो हॉट, जानो कैसा लगा आपको, जानो मैं बातें जो हो रही थी लोगों की,
स्टूपिड मैं तो सोच रहा हूँ यार बहुत अजीब है यार और मैं तो इनको इशारा कर रही थी मत बोलो मत बोलो प्लीज लेकिन ये अपने गाने बंद करना कॉपीराइट आ जाएगा कैसे कैसे लोग हैं हद होती है। सो गाइस पता है क्या हुआ है मेरा ना चांदी का ना ये वाला ही टूट गया। मैंने दो चेन पहनी हुई है चांदी की, एक तो ये वाली है एवल आई वाली है मोटी वाली है और एक है ये। तो इन्होंने अभी यही पूछा है ये दो क्यों पहनी है। मैंने कहा कुछ डिफरेंस लग रहा है तो कह रहे नहीं ये देखो गाइस इसमें एक एवल आई था वो निकल गया है एक आई निकल गई है तब भी जाना अच्छा लग रहा है ना पता नहीं चल रहा ना देखो ना। तो मैंने कहा दोनों पहन लेते हैं ऑफ कोर्स चांदी है भी अच्छा है चंद्रमा का मिलाप होता है चंद्रमा का मिलाप होता है यार। गोल्ड का ना बड़ी टेंशन रहती है गोल्ड डायमंड पहन लो ना बहुत टेंशन रहती है अच्छा, कोई भी खींच के निकल ले उस वाले पे नहीं छुट्टी मिल उस वाले भाई। तो यार क्यों सबके लिए है ये तो फैसिलिटी ठीक है इसलिए मैं पहनती नहीं हूँ कभी कभार पहन लेती हूँ कहीं जाना हो वैसे मैं नॉर्मली डेली बेसिस पे चांदी की वाली चेने पहन के रखती हूँ अच्छी भी लगती है ये। अभी हम लोग रुके हैं ये हमारे घर के इधर ही है जूस वाले भैया गन्ने का जूस बनवा रहे हैं। वैसे मुझे प्यास लग रही है बॉटल्स तो हमारी गाड़ी में हमेशा होती है हमेशा चार बॉटल्स होती है पूरी गाड़ी में दो आगे दो पीछे लेकिन पानी मुझे ठंडा पीना मैं इनको यही कह रही हूँ कि ठंडा पानी पीना है ठंडा पानी लेकर आओ प्यास लग रही है। अभी हम गली के बाहर ही हैं क्योंकि ऊपर जाके यार प्यास फिर और ज़्यादा हो जाती है देखते हैं जूस पीते हैं। गाइस यहाँ पे हस्बैंड जी आ गए हैं जान 20 वाला मैंने नहीं पीना कोई नहीं वही है यम्मी है बट गाइस मैं इतना पीती नहीं हूँ ताजा बना बिल्कुल ताजा तो बनाता ही है मैं इसके अलावा कहीं नहीं पीती। तो गाइज मेरे हस्बैंड का है बर्थडे और मैं इन्हें कह रही हूँ कि बर्थडे आपका एक गिफ्ट मुझे मिलना चाहिए कि मैंने आप जैसी हस्ती को संभाला आप जैसे हस्ती को संभाला तो जान आप अपने बर्थडे पे मुझे क्या दिला रहे हो गिफ्ट सरप्राइज दोगे क्या मुझे बताओ सरप्राइज क्या दो सरप्राइज कहाँ मन रहा है वो पता चल जाए कहाँ मन रहा है कहाँ मन रहा है कहाँ बना रहे हम अपना बर्थडे बहुत जल्द आपको देखेंगे ब्लॉग बने रहना पता चल जाएगा आपको। लेकिन मुझे एक गिफ्ट चाहिए बर्थडे आपका लेकिन आप मुझे गिफ्ट दोगे भाई ऐसा भी होता है कुछ तो दिला दो यार। अच्छा गर्ल्स किस चीज से ज्यादा खुश होती है पहले बताओ सोना चांदी चमनप्रास से तो दिला दो अच्छा इतने सारे दिला दो अरे जितना हो उतना कम है पहनते नहीं है नहीं कौन पहनता कोई नहीं पहनता जितना हो उतना कम है मुझे तो चाहिए कुछ ना कुछ तो चाहिए क्या दिलाओगे बोलो ना। सो गाइज मैं इनको ऐसे छोड़ूंगी नहीं कुछ ना कुछ लेके रहूंगी उसके लिए ब्लॉग में बने रहिएगा देखते हैं मुझे कहाँ लेके जाते हैं बहुनो मुझे अभी सास नहीं बनना ठीक है मुझे तो चाहिए तो देवरान दिला दो नहीं सुविधा ना जेठानी तो नहीं बाप बना निकलने में बहुत आई तोड़ दिया अरे टूट गया क्या कुछ नहीं टूट गया नीचे से कट गया आवाज आई है पीछे घुस गया ने भाई ये कैसे कैसे लोग हैं उधर 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 निकल जाए उधर निकल उधर पीछे से निकलो अरे पीछे से निकलो उधर से बढ़ना इधर से क्यों आ रहा है अरे कुछ तोड़ दे फोड़ दे भाई गाइस देखो ए अरे जन पूरी ये क्या हो रहा है ये तो नई गाड़ी सर्विस कराइए ये देखो मैंने ये मुझे दर्द हुआ अंदर बहुत ज्यादा ये देखो ऐसे ऐसे टेढ़ा वगैरह करते हो आगे का भी कर दिया शायद ये तो अरे वो भी टेढ़ा मेरा हो गया ये आवाज पता नहीं आवाज कहाँ से आई कट की जान मैंने कहा ना कुछ टूट गया है ये देखो क्या टूटा अरे टूट गया वो लगाने वाला ये देखो मतलब बैठे बैठे 1200 का नुकसान कर दिया आपने मतलब जगह थी आप निकलने की फिर भी आप मतलब यहाँ से निकले मैं कह रहा कुछ टूटा कट किया आवाज आई इसमें एडजस्ट क्या करोगे ये भी घिस गया बेचारा मैं कह भी रहा था टूट गया अब देखने क्या तो टेंशन क्या होगा अरे फिर भी एडजस्ट हो जाएगा जरूरी थोड़ा इसी के सपोर्ट से कुर्सी साथ एडजस्ट कर लेना इसी की वजह से तो होता है वो एडजस्ट। क्या कांड कर दिया आपने अब लव फेवी कॉल चिपकाऊंगा चिपक गया तो ठीक है नहीं तो फिर बेकार हो जाएगा ये गन है तो फेंकने में क्यों जाएगा गन से नहीं चिपकता है हटो तो गन होती है किस लिए चिपकाने के लिए ये गन होती है रबर चिपकाने के लिए इसको ले चलता हूँ फिर ये साला पहले चिपका तो नहीं दे रखा था इसने मुझे भी लग रही चिपका के दे नहीं रखा रखा तो है ना नहीं
नहीं इसमें फंसा हुआ, फंसने के लिए होता है जैसे ये फंसने के लिए, वैसे ये फंसने के लिए होता है। चलो देखते हैं ऊपर से। फाइनली हम लोग आ चुके हैं और मेरी हालत देखो क्या हो रही है, वहां पर मुझे झटके से एक एक बार ऐसे बूंद बूंद पानी टपकता है, पूछो मत पसीने का। स्कूटी जा रहे थे और फिर हम गाड़ी नहीं गए। ठीक है, अगर वेदर अच्छा होता तो चले भी जाते, वेदर बहुत ज्यादा हॉट था। और गाइज चलिए अब इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। होमवर्क हो गया तुम दोनों का? इधर चला लिया। हाँ अब पापा कैमरा चेक कर रहे हैं, हमारी आदत है टीवी चला लिया। अब पापा कैमरा चेक कर रहे हैं, अगर पापा मम्मा के जाते ही तुम लोगों ने टीवी चलाया होगा तुम लोग गए। हमने जाते ही से चला लिया हैं तो हम गए। गाइस हम आते ही देखो कैमरा वगैरह प्रॉपर चेक करते हैं क्या किया क्या नहीं किया, और लिखा एक बार भी नहीं है। अब गए नहीं।